हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G24 पावर फ़ोन है, तो मोटो G24 पावर फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे अपने फ़ोन में लगा सकते हैं और फिंगरप्रिंट लॉक आप कैसे अपने फ़ोन में हटा सकते हैं, यानी रिमूव कैसे कर सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक को मोटो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से फिंगरप्रिंट लॉक को आप अपने फ़ोन में रिमूव कर सकते हैं। सिंपली स्लाइड करते हुए आपको जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाकर आप बायोमेट्रिक पासवर्ड सेटिंग्स पे जाते हैं, तो बायोमेट्रिक पासवर्ड सेटिंग्स पे जाकर फिंगरप्रिंट लॉक को अपने फ़ोन से रिमूव कर सकते हैं। इस पे जाते हैं, पासवर्ड डाल देंगे और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करते ही जो फिंगरप्रिंट लॉक है आपके फ़ोन से रिमूव हो जाएगा और हट जाएगा और आपके फ़ोन में कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक शो नहीं करेगा क्योंकि हमने हटा दिया है। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक रिमूव कर सकते हैं और आप सेट करना चाहें तो सेट भी कर पाएंगे। इस तरीके से फिंगर्स को उसमें टैप करके अपने फ़ोन में फिंगर्स लगा भी सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरीके से फिंगर्स को आप ऐड करते जाते हैं तो फिंगर्स आपके फ़ोन में लग भी जाएगा और सेट भी हो जाएगा, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और रिमूव करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं फिंगर्स को और हटा सकते हैं। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक आप रिमूव कर सकते हैं अपने मोटो G24 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।